शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है स्मृति विजय का और विस्मृति हार का प्रतीक है। कहते हैं एक राजा अपने राज्य में राज्य करते थे। एक बार उन्होंने राज्य में ऐलान किया कि एक बड़ा पत्थर, उस पत्थर को कोई भी राजा एक बार की हथौड़ी से उस पत्थर को तोड़ेगा तो मैं उसको आधा राज्य दूंगा। ये सुनकर बहुत सारे वीर, पहलवान, राजाएं उस पत्थर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचे और सभी ने एक ही हथौड़े से पत्थर तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हुए। राजा को लगा कि अभी तो ये पत्थर कोई तोड़ नहीं सकता है। इतने में एक दुबला पतला जवान व्यक्ति आया और राजा के समक्ष आकर के कहा कि मैं इस पत्थर को एक हथौड़े से तोड़ूंगा। राजा को तो पहले हैरानी लगी कि ये कैसे तोड़ सकता है, फिर भी सोचा कि शर्त तो सबके लिए है, तो इसीलिए राजा ने कहा ठीक है, आप तोड़ करके दिखाओ। तब उस व्यक्ति ने एक शर्त राजा के पास रखी और राजा को कहा कि जब भी मैं ये हथौड़ी पत्थर को लगाऊंगा तो मेरा व्यक्ति कान में मुझे कुछ बोल करके जाएगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। जब वो व्यक्ति हथौड़ा लेकर के पत्थर के ऊपर मारने गया तो उसके व्यक्ति ने उसको कुछ कान में कहा और कान में सुनकर के उस व्यक्ति को इतना जबरदस्त साहस पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई, इतना जोश आया कि उसने जोर से एक ही हथौड़े में पत्थर तोड़ दिया। राजा को बहुत वंडर लगा। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर के कहा कि मुझे ये बताओ कि तुमको उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कान में मंत्र सुना दिया कि तुम्हारे अंदर एक नया जोश पैदा हुआ और तुम विजयी बन गए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, मुझे उस व्यक्ति ने कान में ये कहा कि आप राजपूत हो, आपकी हार कभी नहीं हो सकती, आपके पूर्वजों ने भी कभी भी हार नहीं खाई है, सदैव विजयी रहे हैं, इसलिए आपको आज विजयी बनकर ही रहना पड़ेगा। बस ये सुनने के बाद मेरे अंदर एक नया जोश आ गया और मैंने पत्थर को तोड़ दिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी जीवन के अंदर कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य मुश्किल जरूर हो सकता है पर नामुमकिन नहीं, तो उसके अंदर अगर हमारी हिम्मत बंधी हुई है, साहस बंधा हुआ है, तो हम अवश्य विजयी बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव बाबा, अगर हम उनकी स्मृति में रहते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को भी परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार के दृढ़ संकल्प करते हैं, तो अवश्य हम अपने जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु की स्मृति से हम विजयी बन सकते हैं। ओम शांति।